हेलो यूट्यूब फैमिली, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल राइज टुगेदर में। और आज की वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं हेल्थ ऑक्साइड ब्रांड के फ्लेवर्ड वे प्रोटीन प्रोडक्ट का। जो फ्लेवर मैंने मंगवाया है वो है अफगान फालूदा। मतलब ये फ्लेवर का नाम सुनते ही बचपन की जो मीठी मीठी यादें हैं वो ताज़ा हो जाती हैं, जब हम ये फालूदा आइसक्रीम खाया करते थे। तो क्या इस प्रोडक्ट का टेस्ट अपने नाम की तरह ही टेस्टी है? इसके साथ साथ हम जानेंगे कि इस प्रोडक्ट की सॉल्युबिलिटी, डाइजेस्टिबिलिटी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लैब टेस्ट के पैमाने पे प्रोडक्ट खरा उतरा है या नहीं। और हाँ, यहाँ पे मैं एक और चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगा, यानी इस प्रोडक्ट को वही कंपनी बनाती है जो न्यूट्राबॉक्स के प्रोडक्ट भी बनाती है, यानी कि न्यूट्रीकोर बायोसाइंसेस। और ये कंपनी बेस्ड है गुजरात में, मतलब हेल्थ ऑक्साइड इनका खुद का ब्रांड है। और मेरे को काफ़ी उम्मीदें थी इस प्रोडक्ट से, क्योंकि पर्सनली स्पीकिंग न्यूट्राबॉक्स के वे प्रोटीन प्रोडक्ट्स मेरे को अच्छे लगते हैं। तो क्या ये प्रोडक्ट न्यूट्राबॉक्स से बेटर है, उसके जैसा है या बेकार है, चलिए देखते हैं वीडियो में आगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को तहे दिल से भाई सॉरी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि इतने टाइम से मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। और उसका रीज़न प्राइमरीली मेरी तबीयत ख़राब होना था। मतलब एक महीने से खांसी, ज़ुकाम और बुखार ने ले रखी है बहुत बुरी तरीके से। मतलब देख लो यार, डोले एकदम फुस हो गए हैं, सूख गए हैं भाई साहब। 10-10 किलो के डंबल भी भारी लग रहे हैं जिम में। खैर, आप में से कुछ भाई रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं वर्कआउट रिलेटेड वीडियो भी बनाऊं, तो उन पे ज़रूर काम करूंगा। एक बार रिकवर हो जाऊं, वापस से अपनी स्ट्रेंथ रिगेन कर लूं, फिर उन पे ज़रूर काम करूंगा। और हाँ, कुछ भाई ये भी पूछ रहे थे कि आपकी साइकिल कैसी चल रही है, तो भाई कोई साइकिल वाइकिल नहीं चल रही, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने जैसे एक शॉर्ट वीडियो बना के भी बताया था, मायोड्रॉल यूज़ किया था, उसकी वजह से मेरे लिवर एंजाइम्स और भी काफ़ी सारे जो बायोमार्कर्स होते हैं वो आउट ऑफ रेंज चले गए थे। तो अभी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है उन सभी चीज़ों का, और एक बार वापस से मेरे जो लिवर एंजाइम्स हैं और जो दूसरी चीज़ें हैं वो ठीक हो जाएं, उसके बाद में ही साइकिल के बारे में सोचूंगा। लेकिन ये आपसे प्रॉमिस रहा कि जैसे ही ऐसा कुछ शुरू करूँगा, हमेशा की तरह आप सबको ज़रूर मैं बताऊँगा। तो अब तो काफ़ी ये पर्सनल बातें हो गई, चलिए वापस से प्रोडक्ट रिव्यू पे आते हैं और रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले अगर प्राइसिंग की हम बात करें, तो जैसा आप देख सकते हो इसका प्राइस एग्जैक्टली सेम है, मतलब न्यूट्राबॉक्स जितना ही है, यानी 2199 रुपीज़ में आपको ये 1 kg मिल जाएगा। पर सर्विंग का जो रेट है वो भी दोनों का सेम है, लेकिन हेल्थ ऑक्साइड में क्योंकि पर सर्विंग आपको 1 gram ज़्यादा प्रोटीन मिलता है, इसलिए इसकी प्राइसिंग थोड़ी सी कम है अगर हम पर ग्राम प्रोटीन की बात करें तो। सो टू कंक्लूड, जैसा आप टेबल में देख सकते हो इसका प्राइस कंपनी ने ठीक ठाक रखा है। हालांकि अगर कंपनी 2000 के अराउंड रेट रखती तो ज़्यादा अच्छा रहता, और कुछ नहीं तो बल्क में ख़रीदने पे थोड़ा डिस्काउंट दे देती। जैसे न्यूट्राबॉक्स का अगर आप 3 kg एक साथ लेते हो तो आपको 6000 में मिल जाता है, लेकिन हेल्थ ऑक्साइड में ऐसा कोई ऑफर अभी के लिए नहीं है। न्यूट्रिशन प्रोफाइल के मामले में भी ये प्रोडक्ट मोर और लेस सेम ही है अगर हम स्पेसिफिकली न्यूट्राबॉक्स से कंपेयर करें तो। हालांकि एक दो मेजर डिफरेंस है, यानी हेल्थ ऑक्साइड में आपको स्वीटनर स्टीविया मिल जाएगा, इसके साथ साथ इसमें कंपनी ने कहने के लिए ओमेगा 3 डाला है, यानी फ्लैक्सीड की फॉर्म में। और मेरे हिसाब से इससे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं है इस इंग्रेडिएंट की। ये वैसा ही है जैसे न्यूट्राबॉक्स ने अपने प्रोडक्ट में फाइबर और MCT ऑयल थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में सिर्फ दिखाने के लिए डाले हुए हैं। तो कुल मिला के प्रोडक्ट बाकी प्रोडक्ट्स जैसा ही है। हालांकि कंपनी ने खूब कोशिश करी है कि वो प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करें बाई एडिंग सम हटके इन्ग्रीडियंट्स, लेकिन अगर आप समझदार हैं तो आप इन्ग्रीडियंट्स देखते ही समझ जाएंगे कि भाई इस प्रोडक्ट में ऐसा कुछ अलग नहीं है बाकी प्रोडक्ट से, बाकी कंपटीशन के जैसा ही ये प्रोडक्ट की कंपोजिशन है, न्यूट्रिशनल प्रोफाइल है। ऑर्गेनोलिप्टिक प्रॉपर्टीज़ में अगर हम पार्टिकल साइज की बात करें तो वो थोड़ा कोर्स है, यानी दरदरा है, जैसा वे प्रोटीन का होना चाहिए। बाकी पाउडर का जो फ्लो है वो भी लंपी है, जैसा वे प्रोटीन का होना चाहिए। कमिंग टू स्मेल, तो मेरे हिसाब से कंपनी ने जो फ्लेवर की क्वांटिटी यूज़ करी है वो ऑन द हायर साइड है, जिसकी वजह से स्मेल इस प्रोडक्ट की बहुत ही बेकार है। केमिकल जैसी आपको पूरी फीलिंग आएगी डब्बा खोल के अगर आप इसको सूंघेंगे। मूविंग ऑन, स्वीटनेस की अगर बात करें तो वो बैलेंस्ड है, ना कम ना ज़्यादा। ओवरऑल टेस्ट एंड फ्लेवर मेरे हिसाब से ओकेश है, ना ज़्यादा बुरा ना बहुत ही बढ़िया।
मतलब इसको खा के आपको कहीं से भी जो बचपन वाली यादें हैं, जो फलूदा कुल्फी का जो टेस्ट होता है वो तो नहीं आएगा, बट प्रोडक्ट सर्टेनली ड्रिंकेबल है। सबसे पहले भाई ये बताओ कि आपको कितना टाइम हो गया जिम करते हुए? देखिए टाइम तो ऐसा है, काफ़ी टाइम हो गया इसको, मेरे को 10 साल हो गए हैं इसमें। और एज ए टीचर, मैं फिज़िकल टीचर हूँ, तो बीइंग ए फिज़िकल टीचर फिटनेस पे फोकस करना ही पड़ता है, नहीं करेंगे तो बच्चे भी कहेंगे कि फिटनेस नहीं है। तो इसलिए फिटनेस इज़ अ प्राइमरी थिंग फॉर द नॉर्मल पर्सन भी और बीइंग ए टीचर भी। ठीक, तो अब मुझे आप ये बताओ कि आप मेजरली जो अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वो आप नेचुरल डाइट से पूरी करते हो या वे प्रोटीन पे आप डिपेंडेंट रहते हो, या कितने टाइम से आप यूज़ कर रहे हो वे प्रोटीन? देखिए वैसे तो मैं नेचुरल डाइट भी लेता हूँ और साथ साथ मैं वे प्रोटीन भी लेता हूँ। अगर एक टाइम वो लिया है, दूसरे टाइम दूसरी चीज़, तो एक टाइम नेचुरल और एक टाइम अपना वे प्रोटीन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो दोनों का मिक्सचर एक ब्लेंड चलता है एक तरह से, दोनों ही चीज़ें आप यूज़ करते हो। तो कुछ इम्पोर्टेड भी किए हैं, मेजरली इम्पोर्टेड ही किए हैं, इंडियन प्रोडक्ट तो आपने यूज़ नहीं किए हैं जहाँ तक मुझे पता है ना? ठीक है, तो फर्स्ट टाइम इन्होंने कोई इंडियन प्रोडक्ट ट्राई किया है, हेल्थ ऑक्साइड का ये प्रोडक्ट लिया है। तो सबसे पहले सतेंद्र भाई आप मेरे को ये बताओ कि जब आपने इसको मिक्स किया शेकर में डाल के, तो आपको इसकी सॉल्युबिलिटी कैसी लगी? क्या उसमें कुछ लम्प्स बचे रह गए थे या आसानी से प्रोडक्ट मिक्स हो गया था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अच्छे से मिक्स हुआ था प्रोडक्ट। और वो डिपेंड करता है कि हम उसको मिक्स कैसे कर रहे हैं, हम 10 बार शेक कर रहे हैं उसको, 20 बार शेक कर रहे हैं, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी उसको मिक्स करने के लिए? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जो भी एक नॉर्मल प्रोटीन के लिए शेक करना होता है उतने ही बार शेक करा था और ईजिली सॉल्यूबल था। ठीक है, तो अगर जैसे इंटरनेशनल प्रोडक्ट से सतेंद्र भाई कंपैरिजन कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने वही यूज़ करे हैं, तो फिर मतलब ठीक थी सॉल्युबिलिटी। ठीक है, अब बात आती है नेक्स्ट, जो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है लोगों के लिए, स्पेशली जो बिगिनर बच्चे हैं उनके लिए, कि भाई टेस्ट कैसा था। टेस्ट अगर आपको बताना हो कि भाई बहुत ही बढ़िया था कि पीते ही मज़ा आ जाए ये कहने का मन करे, या ठीक ठीक था या बेकार था? नहीं, टेस्ट वाइज बहुत अच्छा था, और प्रोटीन के कंपैरिजन में उसके अंदर थोड़ा सा क्रीमिश भी था। हाँ। तो उससे फ्लेवर और टेस्ट दोनों बेटर हो रहे थे। ठीक है, तो मतलब कहीं ना कहीं ऐसा क्रीमी टेक्सचर था उसका जो शेक बन रहा था, और पीने में मतलब बढ़िया लगा। बढ़िया लगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक चीज़ होती है डाइजेशन, कई लोगों को वे प्रोटीन कई ब्रांड्स के डाइजेशन करने में उनको दिक्कत होती है। ठीक है, तो डाइजेशन रिलेटेड आपको कोई इशू हुआ इस प्रोडक्ट को यूज़ करते टाइम? ब्लोटिंग वगैरह, कई बोलते हैं गैस बन गई, हजम नहीं हो रहा, वैसा कुछ महसूस हुआ? नहीं, ऐसा तो मुझे कोई फील नहीं हुआ। अब डिपेंड करता है कि अगर कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ वे प्रोटीन पे ही डिपेंडेंट होते हैं, तो मे भी उनको हो सकता है, बट एक साइड आप फाइबर डाइट ले रहे हो प्रोटीन की और एक साइड आप वो ले रहे हो, तो शायद इसलिए, बट मेरे को ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। कुछ नहीं फील हुआ, ठीक है। तो अब अगर टेस्ट की हमने बात कर ली, सॉल्युबिलिटी डाइजेशन में भी कोई इशू नहीं हुआ, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि अच्छा सतेंद्र भाई ये ऐसे हेल्थ ऑक्साइड का प्रोडक्ट है, ये 2200 का 1 kg मिलता है, तो कंपैरेटिवली अगर हम इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स की बात करें तो वो तो 3000 ऐसे इस रेंज में आते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से क्या आप बोलोगे कि ठीक है ले सकते हो आप इस प्रोडक्ट को, या आप रिकमेंड नहीं करोगे? मतलब आपका क्या मानना, आपका क्या जवाब रहेगा कोई आपसे पूछता कि भाई ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? देखिए बिल्कुल मैं तो सजेस्ट करूंगा कि लेना चाहिए, बिकॉज एक तो बिगनर्स हैं, जो भी बिगनर्स हैं और जो स्कूल कॉलेजेस के बच्चे जिम स्टार्ट करते हैं, हेल्थ पे फोकस करते हैं, उनके पास पैसे की भी शॉर्टेज होती है, सिंपल सी बात है, तो वो इतने हाई कॉस्ट पे ना जाके वो ले सकते हैं, और इवन जो एडवांस पे हैं वो भी ले सकते हैं। टेस्ट वाइज भी अच्छा है और हेल्थ के लिए भी अच्छा है। जैसे अगर रिकवरी की बात करें पीने के बाद में, अगर आप कंपेयर करें इम्पोर्टेड से, तो रिकवरी में कैसा लगा था आपको प्रोडक्ट? रिकवरी में अच्छा लगा था, मसल रिकवर फील हो रहा था, ऐसी बात नहीं है कि शरीर टूट रहा है और ये सब, ऐसा कुछ नहीं था, बट हाँ रिकवरी अच्छी है। ठीक है, तो इसी के साथ सेक्शन ख़त्म करते हैं। होपफुली आपको इनकी बातें सुन के एक आइडिया हो गया होगा कि जनरल यूज़र को ये प्रोडक्ट कैसा रिजल्ट या कैसा उनको टेस्ट लगेगा, बाकी सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। विद दैट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन। तो कंपनी के हिसाब से आपको 33 ग्राम के स्कूप में 25 ग्राम प्रोटीन मिलता है, यानी 75.75%। वहीं मेरी लैब टेस्ट रिपोर्ट में रिजल्ट आया है 77.59।
अब आप सोचोगे यार लैब रिपोर्ट में ज़्यादा कैसे आ गया, कहीं अमीनो स्पाइकिंग तो नहीं करी हुई। तो भाई एज पर माय एक्सपीरियंस प्रोडक्ट के टेक्सचर को देख के, फ्लो प्रॉपर्टीज़ वगैरह को देख के, मुझे नहीं लगता कि अमीनो स्पाइकिंग करी हुई है। और थोड़ा बहुत रिजल्ट कई बार एनालिटिकल एरर की वजह से भी आ जाता है, कम भी ज़्यादा भी, इसलिए मैं प्रोडक्ट को लैब टेस्ट में पास ही मानूंगा। तो देखो यार, मेरे भाई सतेंद्र को जिन्होंने इस प्रोडक्ट को एक्चुअल में यूज़ करा है, मतलब ये उनका फर्स्ट इंडियन प्रोडक्ट था, और उनके फीडबैक के बेसिस पे मैं ये बोल सकता हूँ कि प्रोडक्ट बढ़िया है, उसके ऊपर लैब टेस्ट में भी प्रोडक्ट पास हो गया है। लेकिन जो चीज़ मेरे को सबसे ज़्यादा खटक रही है वो है इस प्रोडक्ट की प्राइसिंग। यानी अगर कंपनी किसी तरह से प्राइसिंग को 200 रुपये कम कर दे तो फिर मैं इसको डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा। लेकिन अभी के लिए अगर आपका बजट टाइट है तो फिर आपको 2000 या उससे भी कम में काफ़ी अच्छे ऑप्शन मिल जाएंगे। वहीं अगर आपको ये प्रोडक्ट पसंद आ रहा है, बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आप डेफिनेटली इसको यूज़ करते रहिए, क्योंकि एज सच प्रोडक्ट में मेरे को कोई कमी नहीं लगी। तो अगर आपको मेरी वीडियोस से सप्लीमेंट चूज़ करने में हेल्प मिलती है तो फिर यार कंजूसी क्यों करनी है, फटाफट से सब्सक्राइब कर दो ताकि अपना चैनल, अपना परिवार और बड़ा हो जाए। विद दैट साइनिंग ऑफ, अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।